हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नहीं दो लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ, जिसमें एक आ गया है एशियन पेंट्स की तरफ से, इसमें भी हर एक कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। और एक नोटिफिकेशन आया है ONGC की तरफ से, ONGC की तरफ से भी बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आया है। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल है फीमेल है दोनों एलिजिबल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सिलेक्शन आपकी किस बेसिस पे होने वाली है, सारा आपको मैं क्लियर करूँगी। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दोनों के दोनों ऐसे नोटिफिकेशन है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कोई मांगा नहीं गया है और फ़ी आपको कोई पे नहीं करनी है, ना ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई आपको ज़रूर करना है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट के, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एशियन पेंट के बारे में, कौन कौन एलिजिबल है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सेम इसी तरह से फिर हम डिस्कस करेंगे ONGC के बारे में। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एशियन पेंट्स की तरफ से आ चुका है। इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, मेल है फीमेल है दोनों एलिजिबल है, दोनों इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ अप्लाई किस तरह से करना, बिकॉज बाद में यही डाउट रह जाता है कि अप्लाई का पता नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपको किसी टाइप का कोई डाउट ना रहे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पहला जो लिंक दिया है वो एशियन पेंट्स का ही दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके वो आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर लास्ट में आपको मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक। रिक्वायर्ड लिंक में पहला आप लिंक देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का, आप उस पर सिंपली क्लिक कीजिए, क्लिक करके आपको वो ऑफिशियल साइट पर इनके रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, क्या आपका वर्क रहने वाला है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, हर एक डिटेल्स वहाँ पे ब्रीफ में मेंशन की हुई है। आपको वहाँ पर अप्लाई नाउ की भी ऑप्शन मिल जाती है, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट की है, कहाँ से आपने पास आउट किया है, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके सिंपली आपको करना है सबमिट, वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप अप्लाई करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पैकेज की, सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है, 3.5 से 4.5 आपका इसमें पैकेज रहने वाला है, जो कि एनुअल होता है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। अब बात आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्ज़ाम तो नहीं होगा और फ्रेशर्स एलिजिबल है, आपके सिर्फ इसमें आपके इसमें इंटरव्यू होने वाली है, इंटरव्यू के बेसिस पे आपके इसमें सिलेक्शन होने वाली है। इंटरव्यू आपको पता है जितने भी जॉब्स मोस्टली आ रही हैं ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो रही है, तो आपकी ऑनलाइन हो सकती है इसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की, मिनिमम एज आपकी जो रिक्वायर्ड है वो है 18, मैक्सिमम डिस्क्राइब नहीं की है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात आती है फ़ी की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कोई फ़ी नहीं है इसमें। जो वैकेंसीज उन्होंने आउट की हुई है ये सेल्स इंजीनियर की वैकेंसीज है, सिर्फ ये वैकेंसीज भी नहीं है, अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मीन्स HR की है, मार्केटिंग की है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, IT के लिए भी है, असिस्टेंट की भी है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। बट अभी हम बात करें जिस पोस्ट की, वो है सेल्स इंजीनियर की वैकेंसीज है। इसके लिए अगर आपने डिग्री की हुई है रेलेवेंट डिसिप्लिन में, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एशियन पेंट्स की जब भी वैकेंसीज आती हैं, इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर पाते हैं, चाहे मेल है फीमेल है, बिकॉज इसमें ग्रोथ अच्छी है। चाहे मैं सैलरी की बात करूँ, चाहे मैं आपके फ्यूचर की बात करूँ, इसमें आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। अगर एलिजिबल है अप्लाई आपको ज़रूर करना है, जैसे मैंने आपको जो स्टेप बताए हैं उस स्टेप को फॉलो करते हुए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में, और सेकंड जो अपडेट आया हुआ है वो आया है ONGC की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, बहुत टाइम के बाद आया है। इसमें भी हर एक लोकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में किसी भी सिटी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं, मेल है फीमेल है दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
सेम इसी तरह से इस नोटिफिकेशन में भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है। तो पहले आपको बताती हूँ अप्लाई किस तरह से करना है, इसके लिए भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है सेकंड वाला, आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। लास्ट में आपको मिलेंगे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, वहाँ उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा लॉगिन के लिए, आप उस पर क्लिक करेंगे। जिन्होंने तो अकाउंट बनाया वो सिंपली लॉगिन करेंगे, बट ऊपर राइट साइड में एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है रजिस्टर के लिए और लॉगिन के लिए। आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। सिंपली आप जैसे रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी या आपके पास कोई कोड होगा उसको मेंशन करके अपना पासवर्ड लगाकर आपको बस लॉगिन करना है और अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट किया है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके सिंपली आपको सबमिट कर देना। फी आपको कोई पे नहीं करनी है। अब बात करते हैं जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ये जो टोटल वैकेंसीज है 50 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट के लिए, ये वैकेंसीज आई हुई है। हर कोई कैंडिडेट आप में से एलिजिबल है वैकेंसीज के लिए और अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है NAPS के अंडर आउट की गई है, ONGC के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए वैकेंसीज है, मीन्स असिस्टेंट HR के लिए। आपको आगे इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा बिकॉज अगर आप किसी रेपुटेड कंपनी में जाते हैं, आप जॉब के लिए जाते हैं, आपको डायरेक्ट कभी भी HR में नहीं मिलती है एंट्रेंस, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप अप्रेंटिसशिप लगाते हैं असिस्टेंट की तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी आगे किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है तो एज एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे काउंट हो जाता है। तो अगर एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर से आपको करना है बिकॉज फीस आपको कोई पे नहीं करनी है। दोनों के दोनों अपडेट के लिए चेक करके अप्लाई आपको ज़रूर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना बिकॉज मैं आपके लिए हर एक अपडेट सबसे पहले लेकर आती हूँ और नोटिफिकेशन PDF के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।